हेलो गाइस, ये हमारा वीडियो नंबर 4 है, ठीक है, मॉलिकुलर मॉडलिंग एंड ड्रग डिज़ाइनिंग का, कि हम उसके प्रैक्टिकल्स में आर्गस लैब हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक नए एग्जांपल लेंगे नए मॉलिक्यूल्स का, उसकी एनर्जी कैलकुलेशन। बेसिकली हमने फर्स्ट वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया था, सेकंड में हमने एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल लिया था प्रोपेन का, ठीक है, उसी के सिमिलरली सारे मॉलिक्यूल्स का आप कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड वीडियो में हमने वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके बताया था कि कैसे उसकी एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 4 है, तो इसमें हम देखेंगे एक रिंग। अब जैसे एटम्स का हमने बेसिकली ले लिया, आप यहाँ से जैसे उसको चेंज भी कर सकते हो, उसकी ज्योमेट्री लीनियर है, टेट्राहेड्रल या ट्राइगोनल प्लानर है, इसके अकॉर्डिंग आप सेटअप करके कर सकते हो। अब हम आते हैं रिंग पे, ठीक है, कुछ रिंग की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सपोज हमें क्या लेना है, बेंजीन लेना है। अब इस वीडियो में मैं बेंजीन का बेसिकली बताऊंगा। तो देखो, यहाँ से हमने न्यू फाइल किया। अब आप क्या कर सकते हो ना, कि अगर आपको जो है जैसे एटम्स बेंजीन आप यहाँ से बना भी सकते हो, क्या कर सकते हो, बना सकते हो बेंजीन, ठीक है। अब कैसे बनाओगे बेंजीन, पहले मैं खुद से बना के दिखा सकता हूँ। यहाँ से आए आप, ये बॉन्ड पे क्लिक किए, ठीक है, यहाँ पे आए, अब ये बॉन्ड पे क्लिक किए, पता है आपको बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, आपने ये आपने कुछ इस तरीके से बना दिया। अब हमें पता है ना, हमारा बेसिकली क्या होगा, हमारा ये ज्योमेट्री होगा, ज़रूरी नहीं एकदम करेक्ट हो, ठीक है, बट हम क्या करेंगे ना, हमने इसका सेटअप कर दिया। अब इसको हम हाइड्रोजन, जब हम इसकी एनर्जी ऑप्टिमाइज करेंगे तो देखना आप, ये अपने आप ही अपने अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर लेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये अपने अकॉर्डिंग करके। अब इसका हम हाइड्रोजन सेटअप करेंगे, ये हमारा हो गया बेंजीन मॉलिक्यूल। क्या बेंजीन है, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। क्यों साइक्लोहेक्सेन है, क्योंकि जो है ये हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे बॉन्ड पे क्लिक करके हम उसकी सेटअप करके अपना कैलकुलेशन करते हैं। हम सपोज इसमें साइक्लोहेक्सेन पे करते हैं। अब साइक्लोहेक्सेन किया हमने, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें इसको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, अच्छा, साइक्लोहेक्सेन में सारे कार्बन मॉलिक्यूल क्या है हमारे, sp3 हाइब्रिडाइज हैं। क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। अब sp3 हाइब्रिडाइज हैं तो उस पर हमें मॉलिक्यूल सारे टेट्राहेड्रल होते हैं, तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हाँ बेंजीन होता तो वहाँ पे हमें यहाँ पे आपको, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज हो जाते हैं तो उस पर हमें ट्राइगोनल मतलब प्लैनर टाइप का होता, फिर उसमें ज्योमेट्री चेंज करने की ज़रूरत होती पहले। अब इसको हम सेव करेंगे, हमारा फर्स्ट है तो सेव करा हमने, ठीक है, एज अ क्या साइक्लोहेक्सेन हम कर लेते हैं। आप किसी भी नाम से आप इसको सेव कर सकते हो, बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें आगे की कैलकुलेशन करनी है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा सेटअप, इसमें मिस्टेक हो सकती है। अब इसमें हम क्या करेंगे अपना, इसकी हम इसको क्लीन ज्योमेट्री करेंगे। क्लीन ज्योमेट्री हमारा बेसिकली जो भी इसमें प्रॉब्लम होती है उसको सेटअप कर देता है। देखो फर्स्ट में कैसा था अरेंजमेंट, अभी इसका अरेंजमेंट जो भी है, देखो यहाँ पे अभी आप यहाँ से आप देख सकते हो, देखो कि ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज लिख उठा है। इसका मतलब क्या है कि जब ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज कन्वर्ज, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ आपका मॉलिक्यूल सही तरीके से कन्वर्ज हो गया। तो ये आपका मॉलिक्यूल ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज हो गया। अब इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या है, हम इसको जो है अपना पहले ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज करने के बाद हम जो है इस पर फिर आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आ गया, हमने ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज किया। हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है, दो मेथड होते हैं, एक क्यूएम मतलब क्वांटम मैकेनिकल मेथड होता है, एक मॉलिक्यूलर मैकेनिकल मेथड होता है। वहाँ से आप, बट हम जो MM होता है वो हम लार्ज मॉलिक्यूल के लिए करते हैं, लाइक प्रोटीन अमीनो एसिड्स के लिए, तो और जो क्यूएम होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। इसका सबका थ्योरी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी जस्ट हम इसको MM के अकॉर्डिंग देख लिया। अब यहाँ पे ही हमारी ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज कन्वर्ज, यहाँ पे अगर कन्वर्ज लिखा दैट मीन्स ये आपका मॉलिक्यूल सही तरीके से कन्वर्ज हुआ है। अगर यहाँ पे डिड नॉट कन्वर्ज लिखता तो उसकी कैलकुलेशन नहीं देगा, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर कन्वर्ज लिखा है तो उसी की कैलकुलेशन आपको मिलेगी, ठीक है। अब इस पर हम आते हैं अपने कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन पार्ट पे। अब इसमें हमें एनर्जी कैलकुलेशन करनी हो, बेसिकली हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वगैरह कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है, या आप AM मेथड या
ऑस्टिन मेथड से यूज कर सकते हो, या पैरामेट्रिक मेथड से यूज कर सकते हो, या मॉडिफाइड नेगलेक्टिंग डिफरेंशियल ऑर्डर कोई भी मेथड से यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम ऑस्टिन मेथड यूज करते हैं, तो इसका जो भी होगा ये हम रन कैलकुलेशन पे गए, जो भी इसका एनर्जी देखो कैलकुलेटेड हो गया, क्या आया है फाइनल एचसीएफ एनर्जी -34 पॉइंट ये एटॉमिक यूनिट आया। मैं आपको थोड़ा बड़े में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जो भी है व्यू, ये लेटेस्ट रिजल्ट पे आए हमने, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आया। तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाओ, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे जो भी इसकी एनर्जी है, इसका एनर्जी डिफरेंस है, जो भी कार्बन मॉलिक्यूल्स का ऑप्टिमाइजेशन करके ये सारी एनर्जी दे सकता है, जिसको जो इसकी एचसीएफ एनर्जी है ये क्या है -34.35 है, ठीक है ये है। और इसका जो इंथैल्पी हीट ऑफ फॉर्मेशन है, मेन हमें ये कैलकुलेट करना होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारा पॉइंटर आपको दिख रहा होगा जो कि है -38.55 किलो कैलोरी पर मोल, ये हमारा मेन कैलकुलेशन होता है पूरे भी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ये हम इसका इंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह भी कैलकुलेट देख लिया हमने कैसे करना है। अगर सपोज इसमें हमें क्या करना और भी कोई मॉलिक्यूल का सेटअप करना हो या कार्बन, सो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इसका क्या देखना हो, हमें इस पर जो है इसका सरफेस देखना हो कि इसका सरफेस क्या है, इसका होमो या इसका होमो कहाँ पे है, इसका ल्यूमो कहाँ पे है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक मैप डेंसिटी देखनी हो, तो ये हमारी कैलकुलेशन देखो चल रही है बहुत फास्ट होती है, जो भी कैलकुलेशन होती है बहुत फास्ट देख रहे होगे आप। फिर ये हम देख सकते हैं, ये है हमारा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक मैप डेंसिटी, ठीक है, पोटेंशियल मैप डेंसिटी। तो ये आपका इस कुछ इस तरीके से आप सरफेस में ऐसे इसका जो है आप लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी देख सकते हो, ठीक है। बट हम अगर इसको देख लिए तो ये हमारी एक कैलकुलेशन हो गई। तो आप इसी के अकॉर्डिंग कोई भी कैलकुलेशन आपको देखनी हो यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है। अब हम अच्छा इसको तो हमने खुद से बनाया, अच्छा अब इसमें हम ना बिना अगर चाहें तो हम नहीं भी बना करके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिंग में जाके ले सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट इस बेसिकली हमें बेंजीन तो इसी वीडियो में बताना था, बट हमने साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल ले लिया, अब नेक्स्ट में हमको बेंजीन का बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।